सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिवाली इज कमिंग वेरी सून और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ दीपावली की। दीपावली हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और हम इसे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही धूमधाम से हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं हमें ये समझना चाहिए और ये सभी लोग जानते हैं। एक्चुअली में इसके पीछे एक डीप मीनिंग है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके जब रात के टाइम पर लौटे थे तो लोगों ने कहा था कि सत्य की जीत हुई है और मतलब उस टाइम पे अंधेरा रहना चाहिए, अंधकार बिल्कुल ख़त्म। तो उस टाइम पे लोगों ने दीपक जलाए, रात का टाइम था तो वही सब लोगों ने कहा चलो दीपक जलाते हैं और लाइट का ही ये त्यौहार है। द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू क्लियर इन दिस वीडियो दैट दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट द फेस्टिवल ऑफ फायर एंड क्रैकर्स। और हम उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बिना पटाखों से दिवाली बनती ही नहीं है। पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि जो लोग दिए बनाते हैं उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, फायर क्रैकर्स नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे मैंने 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे जिसमें एक लेडीज़ थी, पटाखे बहुत ज़्यादा बना रही थी, लेकिन लोगों ने क्या बोला कि इनके हार्डवर्क को देगी हमारी खुशी के लिए, कैसे हार्डवर्क कर रहे हैं अपने रिस्क लेके, क्या वो एक्चुअली हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं? एक तरह से हम नेचर को पटाखों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ये हमारी खुशी है? लॉन्ग टाइम में तो हम अपने आप का गला ही घोट रहे हैं ना। एक तरह से पटाखे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 मिनट के लिए आप अपनी नाक और मुँह दोनों चीज़ बंद कर लीजिए तो आपको सांस नहीं आएगी, आपकी रूह कब जाएगी, पूरा शरीर हिलने लगेगा। 2-3 मिनट कर लेना, 3-4 मिनट कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगी एक्चुअल में हमारे जो सांस हम लेते हैं नेचर की क्या वैल्यू है। मतलब सांस के बिना हम 2 मिनट नहीं रह सकते तो उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक दिन की खुशी के लिए, एक दिन क्या थोड़े पल की खुशी के लिए हम पटाखे चला के बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली में नुकसान क्या कर रहे हैं, जो लोग मतलब उनको पता नहीं होता है, उनको एजुकेशन नहीं मिली कभी ज़िंदगी में, एकदम से वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बचपन से ही, उनकी ये मतलब कभी समझ में ही नहीं आएगी उनको। एक्चुअल में हमने हर जगह गंद फैला रखी है। सबसे पहले हमने पेड़ काटे, उससे सॉइल इरोजन हुआ, फिर हमने पटाखों से साउंड बहुत ज़्यादा फैलाई तो उससे नॉइस पॉल्यूशन हुआ, पटाखों से धुआं निकलता है उससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। अगर आप दिल्ली ऐसी सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे तो हमेशा ही अंधेरा से रहता है, लगता है कोहरा है। गर्मी के टाइम पे भी आप देखेंगे तो वो एक्चुअल में पॉल्यूशन है, आप रात के टाइम पे वहाँ पे खुले सितारे नहीं देख सकते, वो आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। हम जो भी चीज़ अपनी खुशी के लिए बनाते हैं हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर वही चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जैसे कि जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था देन इट वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वी हैव एवर डन, बट नाउडेज प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव। समुद्र में पूरा कचरा फेंका जाता है, समुद्र में जो भी वेस्ट है उसमें से मछलियाँ मर रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं आज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप फायर वगैरह मत यूज़ करिए। छोटे बच्चे हैं, छोटे पे तो सभी को नहीं पता होता, छोटे बच्चे नहीं मानते तो थोड़े बहुत 2-3 चला लेते हैं, लेकिन आज के टाइम पे बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं कि आपके घर में कोई दिल का मरीज हो तो क्या आप पटाखे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। आप पड़ोसों को भी मना करेंगे कि यार पटाखे मत चलाओ, मेरे घर में पेशेंट है, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज के टाइम पे जो खुले जानवर घूम रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और पड़ोस में और सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से, और सांस लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है आने वाले टाइम में। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते करते हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नुकसान पहुँचा दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पिछले 78 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा ना तो एक टाइम पर ऐसा टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, खोल जाओगे पूरा। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भाषण दी और सच्चाई दिखाई लोगों को, बोला कि सही राह पे चलो, लेकिन किसी ने नहीं मानी। तो कौन मानता है यार, सबको मजे की पड़ी 2 मिनट में मजा, फिर बाद में काटो सजा। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिवाली एक लाइट का फेस्टिवल है, उसे लाइट की तरह मनाएं, उसे एकदम रोशनी फैलाएं, उजाला फैलाएं और जगत को एकदम से उजाला कर दें। सो फाइनली अगेन आई वुड लाइक टू से दैट द दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट द फेस्टिवल ऑफ फायर एंड क्रैकर्स। सो प्लीज़ मत जलाएं यार, दिवाली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। अभी तो हमें बहुत सारी दिवालियाँ सेलिब्रेट करनी, एकदम मस्त मस्त, और दिवाली एकदम लाइट का त्यौहार है, एकदम उजाला फैला दें। और मैंने भी एकदम गैजेट वाली वीडियो बनाई थी लाइट वाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एकदम लिंक मिल जाएगी आपको, मस्त मस्त मैंने प्रोडक्ट दिखाई दिया आपको। छोटे बच्चे उन्हें गाइड करें, आप उन्हें ज्ञान दें, ज्ञान बाबा बन जाए, और दिवाली को एकदम अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें, वेलकम करें शाहरुख खान की तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने किसी बेवकूफ फ्रेंड के साथ जो भी पटाखे चलाते हों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी दीपावली, बाय बाय।